Hi. जाते वक्त ऐसे तो अनु जी पहले से मेरी बहुत प्रिय रह चुकी हैं, तो न केवल इस शो के लिए, उनकी और भी प्रयास हैं, जैसे कि बेटी हैं, अवार्ड फंक्शंस हैं, तो वो जो कार्य करती हैं या जो करना चाहती हैं आगे भविष्य में, हर चीज़ के लिए मैं उन्हें बधाई देता हूँ। शुभेच्छाएं मेरी हमेशा उनके साथ हैं। अनु जी, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट इन व्हाटएवर यू चूज़ टू डू। सर, मेरी मेरी रियल लाइफ बहुत ही बोरिंग है। मैं कहीं आता जाता नहीं हूँ। मेरे कुछ, जिसे हम कहते हैं रंग रलियाँ, वैसा कुछ है नहीं। तो बहुत ही साधारण जीवन में व्यतीत करता हूँ। ऑन दी अदर हैंड, मेरी रियल लाइफ बड़ी इंटरेस्टिंग है, और ऐसी आशा है और कुछ संकेत ऐसे मिल रहे हैं कि इस साल के अंत से लेकर अगले साल के अंत तक बहुत ही रंगीन मेरा रियल लाइफ होने वाला है। तो मुझसे इस समय पूछा जाए तो मैं अपनी रियल लाइफ के बारे में मेरे पिताजी ने एक बात मुझसे कही थी कि एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, कि आपके काम को बोलने दीजिए, तो प्रतीक्षा करेंगे मेरे काम की, मेरा काम आएगा तो बोलेगा। थैंक यू। फीलिंग तो वही है जो पहले थी, पर सीजन 3 में बेसिकली ये ओनली शो है ऑन फेसबुक और अ टॉक शो वेट ऑल टेलीविजन आर्टिस्ट आते हैं। आपने तो देखे होंगे, टीवी स्टार्स के साथ कोई टॉक शो नहीं है, जैसे ITA पे अवार्ड नहीं थी, मैगजीन नहीं थी, तो दिस इज़ द फर्स्ट टीवी स्टार्स टॉक शो। एंड इसमें ऑलरेडी दो सीजन में हमारे पास 30-40 आर्टिस्ट आ चुके हैं, एंड इन द नेक्स्ट सीजन यू विल सी अनदर 20-30 एंड देन सीजन 4। सो इसमें क्या है कि इट्स ऑल द टेलीविजन इंडस्ट्री टुगेदर। सी बेसिकली क्या होता है कि देर आर स्टार्स विद सोशल इशूज। अभी तक जो हम ला रहे हैं नया, यही हो रहा है, यही लोग हैं, इनके बारे आप कोई जानते नहीं हो, कोई नहीं जानता, इनफैक्ट एक दूसरे के बारे नहीं जानते। दे गो टू शूट, शूटिंग भी क्या होता है कि काम करके घर गए, ये नहीं पता, जिस अगर आपने एपिसोड देखे, ये नहीं पता कि उनके साथ, जिनके साथ उन्होंने दो दो साल बिताए हैं, कि वो है कौन, उसका नाम क्या है, वो रहते कहाँ हैं, वो करते कहाँ हैं, वो पढ़े कहाँ हैं, खाते क्या हैं, नोबडी नोज। So this is the first time when you're peeping and getting into the lives of these stars. कैसे आया ये नहीं मुझे मालूम, but आ गया। I have no idea. It just came and that was it. And God willing, it's being enjoyed by people. Thank you. हाँ जी। वही कह रहे हैं ना, इन लोगों से जो हम बातें करते हैं वो यही बताते हैं कि व्हाट आर दे, हु दे आर, कहाँ से हैं, व्हाट डू दे डू, उनकी रियल लाइफ। रियल लाइफ तो आप जानते हैं, रियल लाइफ इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू बी शोइंग एंड वी आर शोइंग ऑन द शो। ये ऑल इज़ रियल एंड रियल, आप रियल आप जानते हो, रियल हम आपको बता रहे हैं। बहुत है, अभी आप देखो, अभी बता दूंगी तो क्या फ़ायदा, यू वॉच एवरी एपिसोड एंड आप देखना कौन कौन आ रहा है। And we start 24th of May, Friday, 6 PM every Friday now. I'd like to wish her a big congratulations
for her yet another contribution to the industry, because you know, she's always contributed very positively to the TV industry, to this entertainment industry in her own way. And I've caught the season one and two, many episodes, and I really like such talk shows because you know, people get to see the real you as opposed to the character that you play. So I'd also like to be part of one of the episodes. I'll talk to her. Not that we've spoken about anything like this as yet, but yes, if Anuji asked me to be part of one of the episodes, then why not? Real life mein zyada baatein karna? Main dono mein hi matlab real life mein karni hi padti hain baatein, itni likh ke aati hain. Aur real life mein I think yes, I'm garrulous. I talk a lot. Mine? Yeah. My show. Oh, the talk show. So I was, last year I think I was part of Jazbaat by ZTV only, and Rajiv Khandelwal was the host on that show, and I think it was very nice mix of your personal talk and some games, and I really liked the concept and the treatment, everything of that show. And there are many shows that I like along with that. I always, like I said, I love such shows because they introduce you to the audiences as who you are. Bhai sahab, aap puchhenge kya haal chaal hai aapke? Hi. Itne sare hello ek saath. Kaise aapko? Bas theek hai. Season 3 ko lekar kitne excited hain aapko? Excited hain yaar. नए लोग देखने को मिलेंगे, कुछ दोस्त देखने को मिलेंगे. हाँ, सो नाइस. बीच में बोल लो. और नए दोस्त मतलब देखेंगे, मतलब नए लोग दिखेंगे, कुछ दोस्त दिखेंगे, तो एक्साइटमेंट तो है डेफिनेटली. देखते हैं इसमें कौन कौन आए हैं लोग जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं. और आई थिंक द होल कॉन्सेप्ट इज़ वेरी नाइस. यू ऑलवेज वॉन्ट टू नो वॉट इज़ द रियल एंड द रियल साइड, सो इट ऑलवेज इंट्रीग्स वन की यू नो, जितने भी वो लेकर आते हैं लोग जिनको वो इंटरव्यू करते हैं, सो इट्स ऑलवेज इंट्रीगिंग टू सी एंड नो अबाउट देम. सो या, आप लोग अपनी रियल लाइफ शेयर करने में ज़्यादा कौन सा ज़्यादा इंटरेस्ट? अच्छा, कौन सा ज़्यादा रियल लाइफ बिलीव रियल रियल होता है ज़्यादा कुछ जानना चाहते हैं? नहीं, मतलब जितना जानना चाहिए उतना तो हम बता देते हैं, मगर कुछ चीज़ें रियल होती हैं तो अपने पास रख लेते हैं. सो वैसा चैट शोज़ फॉलो कर पाता हूँ यार, जो इंटरेस्टिंग लगता है, कुछ चीज़ें इंटरेस्टिंग लगती हैं, कुछ लोग इंटरेस्टिंग लगते हैं, तो डेफिनेटली उन्हें फॉलो कर लेता हूँ. वैसा आई एम अ बिग फैन. आई रियली लाइक द एंटायर कॉन्सेप्ट ऑफ चैट शोज एंड यू नो पीपल टॉकिंग, सो आई थिंक आई एम अ बिग फैन. आई लाइक हेलो हेलो हेलो. हाँ जी, हाँ जी, या या या. सो डेफिनेटली अगर आएंगे यहाँ पे तो डेफिनेटली उनसे मिलेंगे और करेंगे. डिपेंडिंग यार कि कौन सी चीज़ें आती हैं, कौन सी इंटरेस्टिंग चीज़ें आती हैं, सो सब उस पर डिपेंड करता है. अगर कुछ अच्छी स्क्रिप्ट आती है तो डेफिनेटली करेंगे. सो वैसा है. थैंक यू. को मैं ये विश करना चाहूँगा कि जैसे अनुरंजन इतना मनोरंजन करती रहती हैं अपने शो के ज़रिए, वैसे ही वो कंटिन्यू करें. सीज़न 3 में भी एक से एक सेलिब्रिटीज़ आएँ, एक से एक इंटरव्यूज़ हों, और आप लोगों को बहुत ताज़ा, बहुत नई, बड़ी रोचक, बड़ी इंटरेस्टिंग जानकारियाँ मिलें, नए नए लोगों को जानने के बारे में जानने का मौका मिले. और इसका यही बेसिकली मकसद है इस शो का, रील और रियल विथ अनुरंजन, के पर्दे के ऊपर जो ज़िंदगी है और पर्दे के पीछे जो ज़िंदगी है, दोनों ज़िंदगियों का समावेश होता है. दोनों ज़िंदगियां मिलकर एक बहुत ही रोचक, बड़ी मज़ेदार ज़िंदगी के बारे में पता चलता है दर्शकों को.
तो वो पता चलेगा. और आई विश अनु ऑल द वेरी वेरी बेस्ट फॉर द सीजन 3. मैं अनु को अनु रंजन को अपनी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद करता हूँ. उन्होंने दो सक्सेसफुल सीज़न किए और मैं उनमें से हिस्सा भी था एक सीज़न का. एंड आई थिंक जैसे सीज़न बढ़ते जा रहे हैं, आई थिंक स्केल बढ़ रहा है, एफिशिएंसी बढ़ रही है, क्वालिटी अच्छी हो रही है और भी ज़्यादा अच्छी, पहले अच्छी थी. एंड आई एम रियली एक्साइटेड उससे कि अब वो क्या करेंगे. आई थिंक उनके अंदर एक इनहेरेंट एक वो मुझे एक एंकर एक होस्ट नज़र आता है. मैं उनको मजाक में इंडिया की ओपरा विनफ्री कहता हूँ हमेशा. जब भी मिलता हूँ मैं कहा ओपरा क्या हाल है. एंड आई थिंक उनमें ये बात है. एंड आई थिंक आई विल नॉट बी सरप्राइज कि आने वाले वक्त पे शी विल बी डूइंग अ आफ्टरनून टॉक शो एंड एज बिग एज कॉफी विद करण और बिगर. माय ओपरा कॉन्ग्रेचुलेशंस. थैंक यू ओपरा. माय ओपरा. तेरी बीवी कहाँ है? तेरी ओपरा कहाँ है? हाँ बोलो. बना ले टाइम ना. अच्छा ठीक है. अभी ये ओपरा कर ले. You have to be a little louder. तो अच्छा आ रहे हैं क्या सचिन? एक्टर्स चैट शो लेके आ रहे हैं. अब मुझे इतना नहीं मालूम था कि हर एक कोई चैट शो लेके आ रहा है. बट आई थिंक जो मेरा एक्सपीरियंस था अनु के साथ इज शी सो कंफर्टेबल इन फ्रंट ऑफ द कैमरा एंड विद द गेस्ट. मुझे कभी ऐसा नहीं लगता. यू नो नॉर्मली जो स्पेशली चैट शो डिपेंड करता है आपका होस्ट कौन है, एंकर कौन है जो चैट शो कंडक्ट कर रहा है, वो किस तरह माहौल बनाता है कि एवरीबडी इज कम्फर्टेबल और उनसे बेस्ट रिलैक्स. मतलब इफ दे हैव अ गुड टाइम जो देख रहे हैं उनको अच्छा लगेगा. सो आई थिंक अनु इज सो रिलैक्स डूइंग इट कि लगता ही नहीं कि हम शूटिंग कर रहे हैं. एवरीबडी इज हैविंग अ गुड टाइम. सो आई थिंक आई सी वेरी वेरी ब्राइट फ्यूचर फॉर ओपरा. हाँ जी. जो जो कॉलेज का एडमिशन क्या है यार बेचारे स्टूडेंट ऑफ द ईयर. जिस स्कूल में हम जाते हैं वैसे स्कूल में मत जाना. नहीं मैं इतना कहना चाहूँगा कि 10th of May को ज़रूर ज़रूर देखिए. जिन लोगों ने स्टूडेंट ऑफ द ईयर पार्ट 1 देखी है आप बिल्कुल निराश नहीं होंगे, बल्कि इनफैक्ट यू विल बी फार मोर एक्साइटेड. आई थिंक इट्स सीजन पार्ट 2 डबल द फन. एंड वी हैव अ सीक्रेट वेपन टाइगर. और जो टाइगर के फैंस हैं जो उनके बहुत उनकी डांसिंग उनका एक्शन पसंद करते हैं वो भी बिल्कुल निराश नहीं होंगे. जो धर्मा प्रोडक्शन करण जौहर के फैंस हैं और वो रोमांस वो सॉन्ग्स देखना चाहते हैं वो भी डिसअपॉइंट नहीं होंगे. सो आई थिंक इट इज़ अ कम्प्लीट पैकेज जो हर एक कोई इंजॉय करेगा. एंड आई एम वेरी श्योर विल बी अ वेरी वेरी बिग हिट. मैं छोटा हूँ. मैं सपोर्टिंग हूँ तो मैं टाइगर को और अनन्या को और तारा को सपोर्ट करता हूँ. और हाँ मैं प्रिंसिपल का रोल प्ले कर रहा हूँ. तो जो लोग लेकिन ऋषि सर की तरह मैं इस फिल्म में गे नहीं हूँ तो प्लीज़ ये मत एक्सपेक्ट कीजिएगा आप. मगर ये गारंटी है फुल ऑन आपको 2-2.25 घंटे एंटरटेनमेंट मज़ा आएगा, पैसा वसूल. फिर आप पहुंच गए. मैं पासपोर्ट के बारे में मत पूछना. हाँ जी. हाँ हाँ हो गया. फिर और क्या? ये मेरी बहुत अच्छी खास दोस्त है अनुरंजन जी और मैं बहुत खुश हूँ कि आप उनकी थर्ड सीज़न आने वाली है. आई थिंक सेकंड सीज़न में मैं शामिल थी और बहुत ही अच्छा सा प्रोग्राम है. So I just want to wish her all the best and here she is, the lady herself, and I'll wish her in person. All the best, Anu ji. Thank you, Soni ji. मैं हिंदी में बात करने की कोशिश कर रही थी आपके. अच्छा हिंदी में बोलेंगे? हाँ नहीं नहीं मैं इंग्लिश में बोल के बहुत हो गया हिंदी. So कहाँ जा रहे हैं आप? मैं अच्छा रियल लाइफ में मैं बहुत ही फिटनेस फ्रीक हूँ. तो आई डू वेरी डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एक्सरसाइज. आई डू पिलाटिस, अष्टांग योगा
आई वॉक ऑन द बीच, फिर मैं स्विमिंग भी करती हूँ जब ये ऐसे मौसम होता है, तो काफ़ी सारी चीज़ मैं करती हूँ फिट रहने के लिए। अच्छा हाँ, देखिए किसी की तहजीब है तो ये ज़्यादा आसान नहीं रहेगा कि बुर्का बैन करें, क्योंकि कुछ लोग हैं जो उनको पसंद करना है करते हैं पहनने, तो आई डोंट थिंक इट्स आई डोंट रियली हैव एन ओपिनियन एज सच अबाउट वेदर वी शुड बैन अ बुर्का। आई एम नॉट इन फेवर ऑफ बैनिंग एनीथिंग। सो ये मेरे कहने का मतलब यह है कि चाहे कुछ भी हो, या फ्रीडम ऑफ प्रेस हो या जो भी हो, या किसी को बुर्का पहनना हो या हिजाब पहनना हो, तो आई फील इट्स अ पर्सनल चॉइस। लेकिन मैं आई वुड लाइक टू से दैट इफ़ यू आर फोर्स्ड टू वेयर समथिंग अगेंस्ट योर विल, वो गलत। तो अगर आप चाहती हैं बुर्का पहनना तो यू शुड बी फ्री टू डू इट। बट द अदर थिंग इज विद द काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स वी आर फेसिंग टुडे इन द टर्म्स ऑफ टेररिज्म एंड एवरीथिंग, तो मे बी पीपल फील कि इट्स जैसे कि श्रीलंका में उसकी वजह से बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी रीजन, अदरवाइज आई डोंट थिंक एनीबडी वॉन्ट्स टू इम्पिंज ऑन द फ्रीडम ऑफ एनीबडीज राइट्स। लेकिन क्या दूसरी बात यह है कि कुछ लोग ऐसे सोचते हैं कि बुर्का एक चीज़ है जो मतलब यू नो इट्स अ सप्रेशन ऑफ, इट्स अ सिंबल ऑफ वुमेन सप्रेशन। सो I also feel that if that is the case, there are some cases, yes, where that is the case, फिर वो गलत है। But freedom of choice रहना चाहिए, you should be free to wear whichever dress you want to wear, that's what I feel. Thank you जी, thank you. आई थिंक हमारी बेस्ट विशेज हमेशा अनु जी के साथ रही है और उनकी टीम के साथ ऑब्वियसली। मेरा बहुत ही लंबा इनके साथ एक घरेलू जैसा रिश्ता है ITA के टाइम से, और आई थिंक आई विश देम ऑल द बेस्ट। आई एम वेरी हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ सीज़न 3 एज वेल। इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन मेरा एपिसोड भी सीज़न 3 में था। सो येस ऑल द वेरी बेस्ट एंड विश यू मैनी मैनी मोर सीजन्स। जी मैं तो हमेशा ही एक्साइटेड रहता हूँ। जब सीज़न 1 आया था तो भी बहुत एक्साइटेड था कि मुझे बुलाया जाएगा। तो पहले सीज़न के सारे एपिसोड निकल गए, मैं नहीं जा पाया। सेकंड सीज़न में मुझे अनु ने फिर से दोबारा बुलाया। आई वाज वेरी एक्साइटेड बट आई कुड नॉट मेक इट, बट फाइनली आई वेंट। मेरी वहाँ पे फोटो लगी हुई है, सो आई फाइनली मेड इट टू द सेकंड सीज़न। नाउ द थर्ड सीज़न कमिंग एंड I can say is that I wish her all the best, and the show is doing great, and she's got some great topics being discussed on the chat show. Jaise jab main gaya tha mere episode mein, hum logon ne women empowerment ka topic discuss kiya tha, and it's always very very good to have such chat shows where you can bring up such topics jo socially bahut relevant hain, aur usse kya hota hai ki logon tak wo baat pahunchti hai, और उससे हम अगर सोसाइटी को किसी भी तरह से इन्फ्लुएंस करके उनको हेल्प कर सकते हैं टू चेंज देयर माइंडसेट, टू बेटर देयर माइंडसेट, तो आई थिंक आवर जॉब इज़ डन। अनु आर यू कॉलिंग मी द थर्ड सीजन और बात खत्म होगी? हमारे देश में 130 करोड़ की आबादी है, और हमारे इतने बड़े देश में इतने सारे टॉपिक्स हैं जो हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। बहुत हमारे देश में जितनी खूबसूरती है उतने ऐसी चीज़ें भी हैं जो जिनको हम लोग बेहतर करने के लिए हमारे पास बहुत स्कोप है। तो बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो हम डिस्कस कर सकते हैं। फाइनली ऑब्वियसली शी इज़ द होस्ट ऑफ द शो, तो वो जो जो टॉपिक्स चुनेंगी और जिस पर वो डिस्कस करना चाहेंगी
I'll be very, very, very happy, more than happy to discuss on all the topics there. जी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ बिकॉज काफ़ी वक्त से उन्हें हाई हेलो होती रहती है एंड इस बार मैंने सोच लिया था कि मैं आऊँगा ज़रूर बिकॉज कभी ना कभी ऐसा हो जाता है कि पहुँच ही नहीं पाते सो बिफोर शी वुड हैव किल्ड मी मैंने अभी आके उनको वही बोला कि इससे पहले कि आप मुझे मारें और कुछ पिटाई हो मेरी आज आना मेरे लिए बहुत ज़रूरी था एंड आई वुड लाइक टू विश हर ऑल द बेस्ट इन वॉट एवर फ्यूचर एंडेवर्स दैट शी काइंड ऑफ वेंचर्स इनटू आई होप कुछ और नया एक्साइटिंग होगा बिकॉज दैट्स वॉट दे स्टैंड फॉर ऑल्सो कुछ ना कुछ नया करते ही रहते हैं सो अब देखते हैं थर्ड सीजन में क्या होने वाला है इवन आई लुक फॉरवर्ड टू वेल ऐसे बहुत सारे टॉपिक हैं एक्चुअली इज सो मेनी थिंग्स दैट वन शुड टॉक अबाउट बट ऑफकोर्स आई थिंक दे आर माई सीनियर्स एज वेल इन द फील्ड एंड जो भी टॉपिक वो उठाएंगे उस पर बात उस पर चर्चा करना भी अच्छा लगेगा मुझे भी बोला था एक्चुअली कि इस बार आओ तो देखता हूँ मैं भी जाऊँगा कुछ इस विषय में बात करेंगे जो भी टॉपिक वो उठाते हैं सो लेट्स सी व्हाट वी कैन टॉक अबाउट बहुत सारी चीज़ें तो होती रहती हैं हमारे यहाँ पे आई जस्ट होप वी हैव समथिंग इंटरेस्टिंग टॉक दैट्स इट थैंक यू Obviously, lots of well wishes to Anu. We had such a fun time shooting. Sab interviews jo humne dekha, you know, they're all real topics, you know, talking about real life. Hum log celebrities hain aur log hum aapko aise dekhte hain jaise we are like inhuman or like gods. So it was really nice to be with Anu and chat about our real life problems, our backstories, and we had a fun time. I don't even know कितने मेरा एपिसोड देखा कि नहीं मैंने लाइव स्ट्रीमिंग देखा था जब ये लोग इंटरव्यू कर रहे थे फेसबुक पे आ रहा था और जो भी मैंने देखा उससे बहुत खुश हुआ क्योंकि इन सब की कहानियाँ कहीं ना कहीं ये दर्शाती हैं कि जो आम आदमी है जो इंसान है अगर वो एस्पिरेशनल है तो वो अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ कर सकता है इन सब की स्टोरी से यही पता चलता है तो आई वॉज वेरी हैप्पी एंड आई वेरी इनकरेज वुमेन स्पेशली इन आर कंट्री टू गो फॉर देयर ड्रीम्स एंड डू थिंग्स सो या रियल लाइफ से कुछ मेरी बड़ी पिटाई होती है रियल लाइफ में वो आपको दिखता नहीं है मैं मिक्स मार्शल आर्ट सीखती हूँ ना हाँ बहुत हमारा घर में वो यू नो रिवर्स हो जाता है डोमेस्टिक वायलेंस आई थिंक हम लोग कुछ ज़्यादा छिपा भी नहीं पाए क्योंकि जिस शो पे हम गए थे वहाँ पे तो जिंदगी सबके सामने थी तो जो दर्शाया गया वही थे हम लोग और वही है तो हमारे लिए तो जाहिर सी बात वो है लेकिन जो दिखता है इंस्टाग्राम पे वो बहुत उसके अच्छे मोमेंट्स दिखते हैं कोई अपने ख़राब मोमेंट्स तो दिखाता नहीं है सबकी ज़िंदगी में होती है तो एवरीवन्स नॉर्मल आई थिंक एक व्हाट आई वुड लाइक टू से समथिंग विच मैंने शो में भी बोला था कि लोग यू नो मिस इंडिया बोल के दे ऑलवेज लुक एट मी एज अ विनर लेकिन मैंने कभी भी टॉप प्राइज विन नहीं किया मिस इंडिया में भी आई वॉज मिस इंडिया इंटरनेशनल तो मैं सब हमेशा बोलते हैं कि मैं फेल करके अभी पहुंच गए कहीं एंड सो लाइफ में अगर फेलियर आता है डोंट टेक इट टू सीरियसली बिकॉज इट्स व्हाट यू डू विद इट दैट मैटर्स सीज़न 3 है बहुत बड़ी बात है जब कोई भी शो सीज़न 3 तक जाता है तो ऑब्वियसली बहुत बड़ी बात होती है तो कंग्रेचुलेशंस फर्स्ट ऑफ ऑल एंड बेस्ट ऑफ लक की सीज़न 3 सुपर्ब हो आई एम स्पॉटिंग माय फ्रेंड्स हियर आई कैन सी एकता इज़ देयर एंड अ लॉट ऑफ अदर फ्रेंड्स आर देयर एंड अनु इज़ लुकिंग गॉर्जियस एज यूजुअल गिविंग ऑल ऑफ अस फुल टक्कर नहीं सीज़न 3 में मैं नहीं हूँ लेकिन जल्द ही श्योरली डू समथिंग विद हर रियल लाइफ ये रियल लाइफ ही तो है नहीं
रियली तो ऐसा रियली चल रहा है, पैरेलल में रील चलते रहता है, वो जब कैमरा ऑन होता है तब रील लाइफ चलता है, बट आई रियली फील दैट वी आर ऑल वेरी रियल ओनली बिकॉज ऑफ यू गाइज, क्योंकि वरना हम सिर्फ कैरेक्टर्स रह जाते हैं, लेकिन आप सब की वजह से लोग क्रिस्टल को भी जानते हैं, तो थैंक यू गाइज एंड दैट्स माई रियल चैप्टर. कार्ड है विच उसमें बहुत पैसे हैं, तो बस और कुछ नहीं चाहिए, घर की चाबी और कार्ड. यू नो आई रियली आई लव वॉचिंग इट बिकॉज इट्स वेरी रियल टॉपिक्स जिसके बारे में डिस्कस होता है, लेकिन आई फील अ लॉट ऑफ women issues, which is anyway the topic, but you know, like acid victims and torture and violence against women, that is what really hits, and you want to know more about these stories, be aware about these stories and help people to get out of situations like this. Ji. आई होप पता नहीं अगर शूटिंग स्कड्यूल अलाउ करता है तो मैं जाऊँगी, लेकिन आई रियली होप दैट मुंबई इंडियंस विन्स. आई ऑनेस्टली विथ ऑल माई हार्ट हैव ऑलवेज चेयर्ड फॉर मुंबई इंडियंस, बट नाउ माई ब्रदर हार्दिक ऑल्सो प्लेस फॉर मुंबई इंडियंस, तो ये एंड हिज ब्रदर क्रुणाल ऑल्सो देयर, तो यू नो इट इट इज एक्चुअली वन फैमिली एंड आई ऑलवेज लव द वे ही प्लेज, ही इज सो गुड एट द स्पोर्ट एंड मे द बेस्ट टीम विन. I also like Dhoni a lot too. Tough टक्कर है, लेकिन फेवरेट टीम तो एम आई है ना, क्या करें. जी द शूट इज स्टिल गोइंग ऑन. मेरे जो वेब सीरीज है फितरत अभी ऑल्ट बालाजी के साथ आने वाला है, शूट अभी भी चल रहा है, ऑन एयर आई थिंक समवेयर मिड अगस्त आएगा. अभी हम जाएंगे चंडीगढ़ शूट करने, फिर शिमला जाएंगे शूट करने, बहुत मस्ती करेंगे, कम शूट करेंगे ज़्यादा मस्ती करेंगे. थैंक यू थैंक यू. नहीं मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि हम लोग जो थे अभी हाल ही में उनके साथ थे, तो ये एक बहुत अच्छी कोशिश है क्योंकि हमारे बारे में बहुत सारी चीज़ें जो हमें नहीं पता थी उन्हें पता थी. क्योंकि उन्होंने इतनी ज़्यादा खोजबीन हमारे बारे में कर ली थी कि हम बड़े हैरान हो गए कि यार इन्हें तो वो चीज़ें पता है जो हमने छुपा भी रखी थी. तो ये कह लीजिए कि ये एक अच्छी एक्सरसाइज है, एक एक्टर की लाइफ में ऐसा होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपको अपने बारे में पता चलता है, आप जानते हैं अपने बारे में, बहुत कुछ कहने का अवसर मिलता है लोगों के सामने, और एक कॉन्फिडेंस भी मिलता है कि हाँ यार छोटे छोटे शहरों से उठकर हम जो है एक महानगरी में आए और कहीं ना कहीं स्टैंड करते हैं. हाँ मैं तो वैसे तो बहुत सारे लोगों को देखना चाहूँगा जो ड्रामा स्कूल के हैं. अभी मैं पंकज त्रिपाठी को देखना चाहूँगा क्योंकि वो मेरे स्कूल का है, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का है और बहुत अच्छा और उभरता हुआ कलाकार है आज की डेट में. मैं नवाजुद्दीन सिद्दीकी को देखना चाहूँगा जो कि बिल्कुल ये कह लें कि वो हम ही लोगों के संगी साथी लोग हैं, तो मैं ऐसे लोगों को उभरते हुए और ऐसे स्टेज पर देखना चाहूँगा हमेशा. हाँ मैं एक ऐसे विषय पर बात करना चाहूँगा, जैसे अभी भी हमारे छोटे छोटे शहरों में हम लड़कियाँ पेट में ही मार देते हैं जिसको भ्रूण हत्या कहते हैं, उस पर बात होनी बहुत बहुत ज़रूरी है आज की डेट में. क्योंकि आपको पता होगा कि मैं उस मुल्क का प्रदेश का नाम लूँ या ना लूँ, लेकिन उसका नाम हरियाणा है, ले दूँगा. आज भी जो रेशो है वो ऐसे है बिल्कुल, और लड़कों को जो है लड़कियाँ नहीं मिल रही शादी करने के लिए, भाई इतनी मुश्किल हो गई है. तो ये एक बहुत बहुत बुरी बात है जो हमारी सोसाइटी में आज की डेट में घटित हो रही है, तो इस पर इन चीज़ों पर ज़रूर बात होनी चाहिए. एक एक चीज़ पर और बात होनी चाहिए, वो है हिंदी थिएटर, हिंदी रंगमंच. क्योंकि मराठी रंगमंच बहुत तरक्की कर रहा है, बंगाली रंगमंच, गुजराती सब पैसा कमा रहे हैं, हम हिंदी रंगमंच वाले थिएटर से कुछ नहीं कमाते, इसलिए आज जो है हम सीरियल या फिल्मों की तरफ भागते हैं. तो थिएटर, हिंदी थिएटर की बात होनी चाहिए.
हाँ, मैं बहुत आपको इसका जवाब दूंगा। जितनी भी कुरीतियाँ हैं जो आउटडेटेड हो गई हैं, आज की डेट में अगर हमें डेवलप्ड कंट्रीज़ की कंट्रीज़ के लेवल पर खड़े होना है तो हमें इन चीज़ों के बारे में सोचना ज़रूर चाहिए। और जैसा कि जावेद अख्तर साहब ने कहा, मैं उनसे बिल्कुल सहमत हूँ कि अगर बुरका बैन तो घूंघटा भी बैन, बिल्कुल ये होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम बहुत आगे बढ़ रहे हैं यार। अभी हम वहीं नहीं खड़े हैं गाँव में जो ऐसे करके ठेला लगा के, अभी बहुत आज नेट जो है गाँव का बच्चा भी देख रहा है नेट पे, है ना, कितनी सारी चीज़ें जो हैं वो बहुत सारी जगहों पे पहुंच गई हैं, लेकिन हम अभी भी वहीं के वहीं हैं, क्यों, वाय। तो जावेद अख्तर साहब की बात से सहमत हूँ कि अगर बुरका तो फिर घूंघटा भी। मैंने वही कहा ना, अभी हम बहुत पीछे हैं, हमें बहुत एजुकेट होने की ज़रूरत है। अभी हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या इलिटरेसी है ना, ये समस्या पाकिस्तान की भी है। कि मैंने सुना है अभी इमरान खान का, आपने, वो बेचारा रो रहा था कि भैया मेरे कंट्री में हर रोज़ का जो कर्जा है ना मेरे ऊपर, उसका ब्याज देते हैं हम लोग 6 मिलियन कुछ करोड़, तो हम ब्याज दे रहे हैं, तो वो भी बेचारे वहीं खड़े हैं और हम भी वहीं खड़े हैं। बहुत सारा कुछ है यार डिस्कस करने को। जैकेट की वजह से बोल रहे हैं तो आई वुड लाइक टू से कि आप बिल्कुल भी आजकल का फैशन फॉलो नहीं कर रहे हैं, विच यू नीड टू बी वेरी बैडली। यस जी, एक्चुअली बॉम्बे में आकर थोड़ा काम मिल जाना और थोड़े अच्छे लोगों से जान पहचान हो जाना इज एज गुड एज विनिंग अ ब्लैक बेल्ट। सो आई थिंक गॉड इज़ बीन वेरी काइंड। सो अगर आप उसको ब्लैक बेल्ट बोलते हैं तो डेफिनेटली आई हैव वन इट। जी, मैं इस बार थर्ड सीज़न के लिए बहुत एक्साइटेड इसलिए हूँ कि सेकेंड सीज़न में मुझे इन्विटेशन मिला था और सिर्फ ट्रैवलिंग की वजह से आई कुडंट बी अ पार्ट ऑफ इट। And Anu ma'am, she's been really, really nice and kind. और मुझे जब भी मौका मिलता है, I have been a part of being with Beti. So third season में मैं I am hoping that I will get to be a part and I'll be a guest on the show and I'll get to discuss some important issues. So yeah, that's important. Third season में जैसे आपने कहा कि आप आना चाहेंगे, but ऐसे कोई जिसको आप देखना चाहेंगे? जी, बहुत सारे एक्चुअली टेलीविजन में तो बहुत सारे ऐसे नए चेहरे हैं जिनको मैं देखना चाहूँगा। बहुत एक्सपीरियंस दिग्गज हमने देखे हैं शो में, बट आई वुड लव टू सी अ लॉट ऑफ अदर प्रोड्यूसर्स एज वेल, बिकॉज हम लोग एक्टर्स एक दूसरे से बात करके इश्यूज डिस्कस कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा जो दूसरे प्रोड्यूसर्स हैं उनके व्यूज़ नहीं जान पाते, या और भी जो हमारे टेक्निकल टीम के लोग हैं। सो आई एक्चुअली वुड लव टू सी मोर ऑफ प्रोड्यूसर्स एंड डायरेक्टर्स एंड सम न्यू एक्टर्स एज वेल। सी राइट नाउ आई थिंक सबसे गर्म टॉपिक जो है, सबसे हॉट टॉपिक है, दैट इज़ पॉलिटिक्स। सो आई जस्ट वुड वॉन्ट टू डिस्कस दैट, बिकॉज आई थिंक कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि सब यूथ जो हम एक्टर्स हैं कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करते हैं यूथ को। सो वी ऑल शुड नो अबाउट पॉलिटिक्स, वी ऑल शुड नो व्हाट्स हैपनिंग इन आवर कंट्री, सो दैट टॉपिक शुड बी डिस्कस्ड। अगर किसी शो का तीसरा सीज़न आ रहा है तो जाहिर सी बात है कि कुछ सही कर रहे हैं वो, तभी तीसरा सीज़न आ रहा है। एंड आई थिंक अनु मैम हैज ऑलवेज डन समथिंग विच इज़, जिसने अनुरंजन ने आज तक जो भी किया है उससे सिर्फ आर्टिस्ट और फैंस और ऑडियंस के बीच का जो ब्रिज है वो क्लोज डाउन किया है। सो आई थिंक दिस इज अ ग्रेट इनिशिएटिव। एंड इसी तरह से आई थिंक लोगों को जो गलत फहमियाँ हैं या लोगों को जो लगता है इंडस्ट्री के बारे में, वो सारी गलत फहमियाँ दूर होती हैं एंड दे गेट टू नो द इंडस्ट्री मोर क्लोजर। ना पता तो शेयर क्यों करना चाहूँगा। नहीं नहीं, मैं सिर्फ ये नहीं, आई थिंक देखो सबके, आई थिंक लोग जो ऑडियंस है वो हमारी रियल लाइफ को ज़्यादा सीरियसली ले लेते हैं, उन्हें लगता है कि हम रियल में भी ऐसे हैं, लेकिन जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। रियल में हम बिल्कुल आपकी तरह हैं, आम आदमी हैं, आम इंसान हैं। एंड आई थिंक यही दिखाने के लिए और यही फ़र्क
हम हमारे बीच नहीं है ये जताने के लिए, आई थिंक रील टू रील जो ये मीडियम है वो बहुत सही है। सोशल इश्यूज तो बहुत हैं अगर देखा जाए तो, बट आई थिंक फॉर मी व्हाट मैटर्स द मोस्ट इज वुमेन सेफ्टी एंड वुमेन एम्पावरमेंट और लड़कियों की औरतों की पढ़ाई, आई थिंक दैट्स व्हाट मैटर्स द मोस्ट टू मी। मैं सुना क्या नहीं, मैं सोचता हूँ ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि जिसके जिसके जिसकी नीयत नुकसान पहुँचाने की होती है वो चाहे बुरखे में हो या पंडित की धोती में हो या घूंघट में हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। नियत अगर नुकसान पहुंचाने की तो वो इंसान पहुंचा के रहेगा। थैंक यू। घर घर में सामने क्या कर आई वुड लाइक टू विश ऑल द वेरी बेस्ट। और उनका थर्ड सीजन है लेकिन ये पहली बार है कि मैं उनका कोई इवेंट अटेंड कर रही हूँ, और आई लुक फॉरवर्ड टू वॉच ऑल द एपिसोड्स ऑफ द सीजन एंड आई होप कि वो उतने इंटरेस्टिंग हो जितने कि पहले सारे एपिसोड्स थे। सो आई वुड जस्ट लाइक टू विश ऑल द वेरी बेस्ट। हाँ जी, अभी तक तो मुझे नहीं पता, बट लेट्स सी, आई वुड लव टू बी देयर। और मुझे ऐसे भी ऐसे बहुत शौक है ऐसे यू नो किसी भी शो में आने का, टॉक शो में ऐसे रियलिटी में, तो लेट्स सी, आई रियली होप। ऑलवेज बीन लाइक सच अ बिग स्टार, बट अभी भी उनको मिलके वो फीलिंग नहीं होती है दैट सच अ बिग एक्टर। नो सीन इज जेन्युइन, इज वेरी वेरी हंबल एंड वेरी वेरी नाइस। सो आई रियली मैं रियल लाइफ की बातें जो मैं शेयर करना चाहूँ एज इन सच, मतलब मैं समझी नहीं। हाँ जी, अच्छा ओके, खाना बनाने आता है कि नहीं तो मुझे मैं बता दूं कि मैं रोटी पराठा चाय दाल चावल आलू की सब्जी वगैरह मैगी सैंडविचेस ये सब मैं बहुत अच्छी तरह से बनाती हूँ, और चाय तो मैं बहुत अच्छी बनाती हूँ, तो ये सब तो मुझे आता है। बट वो बात अलग है कि मन नहीं करता कभी बनाने का। और क्या जानना चाहेंगे, मैं कब उठती हूँ, क्या खाती हूँ, खाती मैं सब कुछ हूँ, मैं बिल्कुल भी डाइट वगैरह नहीं करती हूँ, और जो भी मुझे मन के नहीं नहीं, मैं नॉन वेजिटेरियन हूँ लेकिन मैं सिर्फ चिकन और सी फूड खाती हूँ, मैं मटन और बीफ नहीं खाती। हाँ जी, थैंक यू।